हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। घड़ी कर रही है इशारा 3 बजने का और वक्त हो चला है हमारा मनपसंद प्रोग्राम का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम का, जिसमें क्लास 1 और 2 की पढ़ाई होती है और हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, वह भी मज़ेदार ढंग से। अभी चूंकि हम लोगों के स्कूल बंद हैं, इसीलिए अपनी पढ़ाई घर पर ही रहकर करनी है, जिसमें हमारे साथ होते हैं मम्मी पापा और घर के अन्य बड़े लोग। तो तैयार है ना आप सब। चलिए देखते हैं आज का कार्यक्रम हम लोगों के लिए क्या क्या लेकर आया है। आज सबसे पहले हिंदी की कक्षा में खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग सुनेंगे एक कहानी जिसका नाम है सीधा सादा सर्पी। फिर मैं कौन हूँ के माध्यम से हम लोग नए नए शब्दों को सीखेंगे। फिर खेलेंगे एक खेल चित्र पहचान। उसके बाद मिलेंगे अपने दोस्त गणित से और जानेंगे मुद्रा यानी रुपए पैसों के बारे में। और सबसे अंत में होगी पढ़ाई अंग्रेजी की, जिसमें हम सुनेंगे एक राइम जिसका नाम है 2 Twins Aeroplanes। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि बापू की शादी जल्दी हो जाने की वजह से उनकी 1 साल की पढ़ाई बिगड़ गई। बाद में उन्होंने खूब मेहनत करी, पढ़ाई में उनका मन लगने लगा, लेकिन व्यायाम करने से वो बचते थे। व्यायाम ना करने का नुकसान मोहन को उतना नहीं हुआ, पर एक दूसरी कमी की कीमत उन्होंने जीवन भर चुकाई और वो थी बिगड़ी हुई लिखावट। उन्हें ये गलतफहमी हो गई थी कि साफ सुथरे लिखाई का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। बड़े होने के बाद गांधी जी ने अपनी खराब लिखावट सुधारने की कई बार कोशिश करी, लेकिन बचपन की बिगड़ी आदत फिर ठीक नहीं हुई। उनका लिखा हुआ पढ़ना मुश्किल होता था। जब दूसरों के मोती के दानों जैसे साफ और सुंदर अक्षर दिखते, तब गांधी जी को पछतावा होता। वो कहते थे, खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी मानी जानी चाहिए। हर एक नवयुवक और नवयुवती मेरे उदाहरण से सबक ले और समझे कि अच्छे अक्षर विद्या का आवश्यक अंग है। लड़कपन के 2 ही करीबी दोस्त मोहन को बात तक याद रहे। पहले ने उनका साथ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनकी दोस्ती दूसरे से हो गई थी। ये दूसरा लड़का मोहन के मंझले भाई करसन दास का दोस्त था। दोनों की ही पढ़ाई में रुचि नहीं थी। दोनों बार बार फेल होकर मोहन की कक्षा में ही आ चुके थे। यह दोस्त दूर तक तेजी से दौड़ सकता था, ऊंचा कूद सकता था, लंबा भी कूद सकता था, दीवार चढ़ने में माहिर, खेल कूद में प्रवीण और सजा या पिटाई सहज ही सह लेता था। मोहन का स्वभाव एकदम उल्टा, डरपोक, शरीर से दुर्बल, ना दौड़ते बनता ना कूदते बनता, कोई डांट दे तो रो पड़ते, पिटाई सहना तो दूर की बात। दोस्त यह सब जानता था। जो कमियां हमें अपने आप में दिखती हैं, उन्हीं गुणों को हम दूसरों में खोजते हैं। मोहन अपने दोस्त से बहुत प्रभावित थे। दोनों ने स्टूडियो में जाकर के साथ में फोटो भी खिंचवाई थी। माँ, बड़े भाई और कस्तूरबाई ने मोहन को समझाने की खूब कोशिश की। वो कहते थे कि तुम खराब संगत में पड़ गए हो, तुम्हें अपना ध्यान देना चाहिए। मोहन ने उन्हें भरोसा दिलाया, उन्हें बात जमी नहीं, पर फिर भी उन्होंने मोहन पे विश्वास किया। वो जो चाहते थे उसे करने दिया गया। पर सच तो यह था कि मोहन अपने दोस्त के सम्मोहन में थे, जो सम्मोहन कई साल तक चला। उनका दोस्त कहता, हमारे बहुत से अध्यापक छिपकर मांस खाते हैं और शराब भी पीते हैं, राजकोट के बहुत से नामी गिरामी लोग भी और हमारे विद्यालय के कई छात्र भी। इसीलिए तो हम लोग कमजोर हैं, क्योंकि हम मांस नहीं खाते। अंग्रेज मांस खाते हैं इसीलिए ताकतवर है,
तभी तो उन्होंने हमें गुलाम बनाया हुआ है। अपने दोस्त की ये सब बातें सुनकर मोहन को लगने लगा था कि यही समाज सुधार है। मोहन का परिवार एकदम पक्का वैष्णव शाकाहारी था, पर उनका मझला भाई करसनदास तो पहले से ही दोस्त के प्रभाव में मांस खाने लगा था। उनका दोस्त कहता, मुझे देखो, मैं मांस खाता हूँ, तुम्हारा भाई भी खाता है, हम दोनों तुमसे ज्यादा बलवान हैं, हिम्मत वाले हैं, हमें किसी का डर नहीं लगता। मोहन भी अपने दोस्त के जैसे नीडर और बलवान बनना चाहते थे। देश को आजाद तो करवाना ही था, समाज सुधार भी तो करना था। सो एक दिन दोनों चुपके से नदी किनारे वीराने में चले गए। दोस्त ही सारा सामान लेकर आया था और उसी ने मांस पकाया। मोहन ने पहले कभी मांस देखा तक नहीं था। उसके घर में किसी को ये बात पता नहीं थी। मांस का स्वाद मोहन को चमड़े जैसा लगा, उन्हें उल्टी आने लगी तो थोड़ा सा खा के छोड़ दिया। उस रात बहुत तकलीफ हुई। जैसे ही नींद आती, उनको सपने में दिखता कि पेट में एक बकरी मिमिया रही है। वो चौंक कर उठते, फिर अपने आप को समझाते कि मांस खाना जरूरी है। दोस्त आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो तरह तरह के पकवानों में मांस मिला देता ताकि मोहन को भा जाए। यह सरकारी डाक बंगले में होता, जहाँ के बावर्ची को उसने पटा रखा था। ये सब साल भर तक चला। कोई 5-6 बार मोहन ने चोरी छिपे मांस खाया। खर्चा हमेशा दोस्त ही उठाता था, क्योंकि मोहन के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं होती थी। जब ऐसी दावत खाकर मोहन घर लौटते, तब भूख ही नहीं बचती, तो वो घर में झूठ बोलते। माँ पूछती कि खाना क्यों नहीं खा रहे, तो मोहन कहते, भूख नहीं है, पेट में गड़बड़ है। पर वो सोचते कि मैं ऐसे घर में कब तक धोखा देता रहूंगा। घर में झूठ बोलना उन्हें खराब लगता, इसलिए मांस खाने का अभ्यास उन्होंने टाल दिया और फिर सदा ही शाकाहारी रहे। लेकिन इस दोस्त का साथ और समय चला। कस्तूरबाई के बारे में भी इस दोस्त ने मोहन के कान भरे। वे अपनी पत्नी पर बेवजह शक करने लगे। कस्तूरबाई के पास मोहन की बदसलूकी सहने के अलावा कोई चारा नहीं था। मोहन के लिए दोस्ती कई तरह से भाग्य का कारण बन चुकी थी। वे इससे तभी छूटे जब उन्होंने अपने दोस्त को कुछ ऐसी खराब हरकतें करते देखा जिससे उन्हें धक्का लगा। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि क्या हुआ था जब महात्मा गांधी ने चोरी की थी। क्या हुआ बिट्टू, आज तुम बहुत शांत बैठी हो, क्या सोच रही हो? काकी, मैंने आज एक किताब में कहानी पढ़ी है, उसके बारे में ही सोच रही थी। लेकिन ऐसा क्या था उस कहानी में जिसे पढ़कर तुम सोच में पड़ गई हो? क्या बताऊं काकी, कहानी थी ही ऐसी कि मैं सोच में पड़ गई। ऐसा था क्या कहानी में? कहानी, क्या बात है, हमें भी बताओ। हाँ हाँ, बताती हूँ। कहानी में एक सांप था जो सोचता था, काश उसके भी पैर होते, पंख होते, ताकि वह उड़ सकता, चल सकता। फिर क्या हुआ? फिर वह बाकी जानवरों को देखता है। अरे बिट्टू, इतना बता ही रही हो तो कम से कम पूरी कहानी ही सुना दो। हाँ बिट्टू, हम भी तो सुनें कि उसमें ऐसी क्या बात है जिससे तुम सोच में पड़ गई हो। अरे हाँ हाँ हाँ, काका काकी लीजिए, आप लोग पहले कहानी सुन लीजिए। सादा सर्पी, लेखन राजीव तांबे, चित्रांकन रिजुता घाटे, अनुवाद राजेश खार, प्रकाशन प्रथम बुक्स। एक घने जंगल में एक सांप रहता था, नाम था सर्पी। सांपों की टांगे नहीं होती, वे चल नहीं सकते, दौड़ भी नहीं सकते। सांपों के पंख नहीं होते, वे उड़ नहीं सकते। एक सीधी रेखा में वे तैर भी नहीं सकते। लेकिन सर्पी चलना चाहता था, दौड़ना चाहता था, उड़ना चाहता था और सीधी रेखा में तैरना भी चाहता था। वह हर पल यही सोचता रहता था।
अगर मेरी टांगे होती तो मैं सीधी रेखा में चल पाता, अगर मेरे पंख होते तो मैं सीधी रेखा में उड़ पाता। लेकिन मैं कितना अजीब हूँ, ना तो मैं सीधे चल सकता हूँ, ना सीधे दौड़ पाता हूँ, ना तो सीधे उड़ सकता हूँ और ना सीधे तैर पाता हूँ। मैं केवल रेंगता हूँ, आड़े तिरछे आड़े तिरछे, जिगजैग जिगजैग। एक दिन सर्पी ने कुछ पक्षियों को उड़ते हुए देखा। वे ऊपर नीचे दाएं बाएं गोल गोल उड़ रहे थे, एक भी सीधे नहीं उड़ रहा था। सर्पी सोचने लगा, एक दिन मैदान में दौड़ते भागते हिरण के बच्चों पर सर्पी की नजर पड़ी। नन्हे हिरण इधर उधर दौड़ रहे थे, वे आड़े तिरछे दौड़ रहे थे, उनमें से एक भी सीधी कतार में नहीं दौड़ रहा था। यह देखकर सर्पी सोचने लगा। सर्पी नदी की ओर गया। नदी की मछलियां हिलते हिलते इधर उधर तैर रही थी। सर्पी सोचने लगा। सर्पी नदी के किनारे बैठा बैठा सोच में डूब गया। तभी वहां से एक केकड़ा निकला। सर्पी एक ओर सरक गया, केकड़ा आगे निकल गया, पर वह सीधे नहीं चल रहा था। केकड़े की आधा दर्जन टांगे थी और फिर भी वह सीधा नहीं चल पा रहा था। सर्पी ने थोड़ा और सोचा। सर्पी ने सोचा कि क्या उसे पंख चाहिए, क्या उसे टांगों से फायदा होगा, कभी आड़े तिरछे और कभी टेढ़े मेढ़े, उसकी चाल ऐसी नहीं है। मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, मेरा रेंगना सदा एक जैसा रहता है, मेरा आड़ा तिरछा सरकना हर दिन एक जैसा रहता है, और औरों की चिंता मैं क्यों करूं? कितनी अच्छी कहानी थी बिट्टू, मजा आ गया। लेकिन बिट्टू तुम क्या सोच रही थी, जरा ये भी तो बताओ। काकी मैं सोच रही थी कि ऐसे कौन से जानवर हैं जो सीधी रेखा में चलते हैं। तो क्या जवाब मिला? अरे काका सोच ही रही थी जब काकी ने टोक दिया तो आप लोगों से बातें करने लग गई। अच्छा बिट्टू ये तो तुम बहाने बना रही हो। काकी आपने पकड़ लिया। काकी मुझे याद ही नहीं है कोई ऐसा जानवर जो सीधी रेखा में चलता हो। तो बच्चों क्या आप बिट्टू की इसमें मदद कर सकते हैं कि कौन से ऐसे जीव हैं जो सीधी रेखा में चलते हैं? अपने आस पास किसी से पूछिए और बताइए। इसके अलावा बच्चों आप यह भी करके देखिए, खुद करके देखिए। एक, सीधी रेखाओं से 5 आकृतियां बनाइए। 2, मजेदार चाल चलने वाले 5 जंतुओं के नाम बताइए। 3, अपने आसपास देखिए, क्या आप कम से कम 5 ऐसी जीवित चीजें ढूंढ सकते हैं जो सीधी रेखाओं से बनी हुई है? तुम जानवरों के बारे में तो सोच रही थी, लेकिन क्या जानवरों या अन्य चीजों के नाम का पहला अक्षर भी पहचान सकती हो? हाँ हाँ काका आप पूछकर तो देखिए, मैं झट से बता दूंगी। सारे बता दूंगी? सारे सारे का तो पता नहीं, लेकिन कहीं अटक गई तो काकी भी तो है मेरी मदद के लिए, क्यों काकी? हाँ हाँ बिल्कुल, आप शुरू तो कीजिए। अच्छा ऐसी बात है तो देखते हैं इस खेल में तुम पहचान पाती हो या नहीं। तो आइए खेल शुरू करते हैं।
मैं कौन हूँ। इस खेल में हमें क्या करना है? हाँ, ये खेल हम पहले भी खेल चुके हैं, तो आप जानते ही होंगे कि इस खेल में हमें एक चित्र दिखाई देगा जिसका पहला अक्षर हमें पहचानना है। तो आइए खेल शुरू करते हैं। मैं कौन हूँ? ये गाय है। गाय का पहला अक्षर होता है ग। कहाँ है ग? ये, हाँ ये रहा। मैं कौन हूँ? ये तो कुत्ता है, लेकिन कुत्ते की पूंछ तो ऐसी नहीं होती है, तो ये लोमड़ी होगी। देखते हैं, दोबारा कोशिश करें। अरे ये तो गलत है। क्या ये भेड़िया है? हाँ हाँ, ये भेड़िया होगा। भेड़िया, मैं कौन हूँ? ये तो कछुआ है। कछुआ क, ये रहा कछुए का क। मैं कौन हूँ? ये तो ऊंट है। ऊंट, हाँ यही है, ऊंट का ऊ। अरे वाह, ये तो मैंने सारे पहचान लिए, सिर्फ एक भेड़िया वाला गलत हुआ। चलिए फिर एक बार खेलते हैं। मैं कौन हूँ? ये तो बस की कंडक्टर हैं। ये यात्री हैं, ये कोई पैसे देके टिकट ले रहा है, तो कंडक्टर का क होना चाहिए। कंडक्टर क, ये रहा। मैं कौन हूँ? ये, हाँ आपको याद है मैंने पिछले बार इसे गलत किया था, ये गौरैया है। गौरैया का ग, ये रहा। मैं कौन हूँ? ये तो पुलिस है। ये रहा। मैं कौन हूँ? ये तो भेड़िया है। भेड़िये का भ, देखिए इसकी पूंछ जो है बिल्कुल उस वैसी ही है, तो लेकिन भेड़िया का भ तो नहीं है। देखते हैं, ज ल ज ज, इससे कुछ होगा, देखते हैं। दोबारा कोशिश करें। अरे फिर ये क्या है? दोबारा कोशिश करें। ये भी नहीं। अच्छा, ये लोमड़ी थी। अरे वाह, ये खेल तो मैंने ठीक से खेला, बस लोमड़ी और भेड़िया गलत हुआ, दोनों एक जैसे जो दिखते हैं। देखा काका, थोड़े बहुत गलत हुए, लेकिन बहुत सारे शब्द तो बता ही दिए मैंने। तो मतलब काकी से मदद लेने की बारी नहीं आई? काका आई तो, लेकिन उसके पहले ही गलत हो जाता था। इसलिए क्लिक करने से पहले पूछना चाहिए था ना बिट्टू। हाँ काकी, मैं अगली बार ऐसा ही करूँगी। बिट्टू, कई चित्रों का पहला शब्द तो तुमने पहचाना, लेकिन क्या पूरा शब्द पहचान पाओगी? पूरा शब्द? काका ये तो आप पूछेंगे तभी पता चलेगा। तो इस खेल में देखते हैं तुम शब्द पहचान पाती हो या नहीं। ठीक है काका। तो आइए खेल शुरू करते हैं, शब्द चित्र। तो इस खेल में हमें क्या करना है? ये खेल हम पहले भी खेल चुके हैं, तो बच्चों जरा बताइए इस खेल में हम क्या करते हैं। किसी ने तो बोल ही दिया होगा, तो कुछ लोगों ने पहचाना होगा और कुछ ने नहीं, तो मैं बता देती हूँ। इस खेल में हमें एक चित्र दिखाई देगा और उसके बगल में कुछ शब्द दिखाई देंगे, हमें आवाज आएगी उस शब्द की और हमें उस शब्द को पहचानना होगा। तो चलिए खेल शुरू करते हैं। ये चश्मा है। ये तो किताब है, डायरी। ये रहा किताब। ये तो गुब्बारा है। अरे ये गुब्बारा नहीं है, फिर ये क्या है? अरे इसके तो हाथ पैर भी हैं,
ये बिल्ली है, ये है बैग। अच्छा ये बैग है, ये रहा बैग, ये तो टोपी है, टोपी, ये रहा, ये है कप, ये रहा, और ये गुब्बारा है, हाँ ये रहा गुब्बारे, ये तो कैची है, ये पेंसिल है, कुत्ता, ये कुत्ता है, इसमें क्या पूछ रहे हैं? अरे ये रहा झाड़ू, झाड़ू, अच्छा ये रहा झाड़ू, ये तो साइकिल है, ये रहा, अरे मैंने पूरा नहीं पढ़ा, ये साइकिल नहीं, ये तो सब्जी लिखा हुआ था, ये है, ये तो लड़की है, फ्रॉक, ओ अच्छा लड़की के कपड़े, फ्रॉक, ये रही, ये तो दादी है, ये रहे दादी, ये क्या है, स्वेटर, ये रहा स्वेटर, ये ऑटो, ऑटो है, अच्छा ये रहा ऑटो, ये तो गुब्बारे हैं, ये रहा गुब्बारा, ये डलिया, डलिया, टोकरी, डलिया, कुछ भी बोल सकते हैं, डलिया, ये सब्जी, ये था सब्जी, ये था सब्जी जो मैंने गलत किया, ये तो पैंट है, कहाँ गया पैंट, ये है, ये तो टोपी है, टोपी 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 टोपी, ये रहा, ये क्या, ये तो रेत है, मिट्टी, मिट्टी, अच्छा ये तो पुल है, ये तो फ्रॉक है, हाँ मुझे भी पता है, ये रही वो, ये तो घर है, घर, ये लड़का है जो नहा रहा है, लड़का, लड़का, ये रहा, अच्छा लड़का ये रहा, ये नाव है, हाँ ये है लड़की जो नहा रही है, ये रहा, ये सूरज, सूरज, अच्छा ये तो मेंढक है, अब नहीं, बस मैंने खेल लिया, अरे वाह मुझे पूरे 300 अंक मिले हैं। क्या हुआ बिट्टू, इस बार तो तुमने बहुत से शब्द गलत कर दिए। काकी मैं मात्राएं जो भूल गई हूँ। अरे ये कब हो गया? आपको कैसे पता चलेगा, आपको तो अपने चौपाल से ही फुर्सत नहीं है। अरे बिट्टू की काकी गुस्सा क्यों हो रही हो, बिट्टू सीख कर ही तो भूली है, फिर से अभ्यास करेगी तो फिर उससे गलती नहीं होगी। और हाँ आज से ही आप कराएंगे बिट्टू को अभ्यास। हाँ हाँ काकी ये ठीक रहेगा। मैं, हाँ हाँ ठीक है, इसमें क्या है, मैं बिट्टू को चंद दिनों में ही मात्राएं सिखा दूंगा। बिट्टू के काका दिन भर आपको मजाक ही सूझता है। काकी इसी बात पर आप आज एक खेल खिलवा दीजिए। हाँ हाँ बिट्टू ये सही कहा तुमने, हाँ बिट्टू की काकी शुरू करो। ठीक है तो मैं एक खेल शुरू करती हूँ। इस खेल में मैं शरीर के एक अंक का नाम बोलूंगी
और आप दोनों को उसका काम बताना होगा। अच्छा, ठीक है, समझ गए। पूछो सबसे पहले कौन सा अंग। बिटिया, लगता है तुम्हारी काकी के पास खेलों की कमी हो गई है। बिट्टू, पहले तुम बताओ, आँखों का काम। आँखों का काम? आँखों का काम होता है देखना। हाँ हाँ, बस देखना ही काम होता है। अच्छा बिट्टू, आंसू भी तो बहाने का काम होता है आँखों का। बिट्टू के काका, आप बताइए अपनी उंगलियों का काम। हाथ की उंगलियां किसी चीज को पकड़ने में मदद करती है, और पैरों की उंगलियां ठीक से चलने या पैर जमीन पर ठीक से जमाने या शरीर को खड़ा रखने में मदद करती है। बहुत बढ़िया बिट्टू के काका। तो बच्चों, जरा आप भी अपने शरीर के अंगों के काम के बारे में सोचिए और बताइए कौन सा अंग क्या काम करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब वक्त है थोड़ी मस्ती करने का। अरे मस्ती मतलब सच में मस्ती नहीं करनी। दोस्तों, अब तक हमने खेल खेल में नई चीजें बनाना सीखा, पर इस बार हम देखेंगे कि कूड़ेदान में जाने वाली चीजों का इस्तेमाल कर कैसे हम कुछ विज्ञान के खिलौने बना सकते हैं। चलिए आज का मजेदार वीडियो देखते हैं। आज के वीडियो का नाम है मूवी टाइम। दो दोस्त बैठकर टीवी पर कार्टून देख रहे थे। उन्हें बहुत मजा आ रहा था, पर बीच में लाइट चली गई। एक दोस्त कार्टून देखने के लिए रोने लगा। दूसरा दोस्त सोच में पड़ गया कि अब इसे कैसे शांत करें। उसी वक्त उसे एक आइडिया आया। हमें कुछ पेन, कुछ सफेद पेपर, स्टेपलर और पेंसिल की जरूरत होगी। पहले हम पेपर को बीच से ऐसे मोड़ देंगे। अब पहला पेपर लेंगे, उसे दो हिस्सों में काट देंगे। अब कटे हुए पेपर के और दो टुकड़े कर देंगे। ऐसे हमें दूसरे टुकड़े के साथ भी करना है। अब सब टुकड़ों को एक दूसरे पर ठीक ठीक से रखेंगे, स्टेपल करके, बिल्कुल एक छोटे किताब की तरह। अब हम एक इंसान की आकृति बनाएंगे और उसके पैर के पास बॉल बनाएंगे। हम ऐसा ही चित्र दूसरे पन्ने पर भी बनाएंगे, लेकिन इस बार इंसान का पैर बॉल की ओर बड़ा होगा, जैसे वो बॉल कर किक कर रहा है। अब ऐसे ही चित्र बचे हुए पेपर पर भी बना लेंगे। अब हम अपनी छोटी किताब के पन्ने इस तरह जल्दी से पलटेंगे। देखा दोस्तों, लगता है ना कि लड़का बॉल के साथ खेल रहा है। ऐसे ही आप अपने मन चाहे कई सारे चित्र बना सकते हैं, जैसे एक फूल को खिलते हुए दिखाना। चलिए अब यह चीज हम अपने दोस्त को दिखाते हैं। अरे वाह, दोस्त तो खुश हो गया, उसे एक उड़ते हुए रॉकेट का चित्र दिया है। हमारे दोनों दोस्त खुश हो गए। क्या आपको पता है दोस्तों, हम जो एनिमेशन मूवी देखते हैं, उसकी फिल्म भी कुछ इसी तरह की होती है। है ना मजेदार चीज। आप भी ऐसी खुद की फिल्में बनाइए और अपने दोस्तों को दिखाइए। Ta 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 ta
कहानी सुनी और फिर कुछ अक्षरों के खेल भी खेले। अब आगे और पढ़ाई जारी रखते हैं। चलिए सीखते हैं गणित। अरे डरिए मत, गणित से डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर मन लगाकर आप पढ़ो तो गणित भी आसान लगती है। पर और आसान बनाने का तरीका पता है क्या है? अगर गणित को खेल खेल में हंसी मजाक में पढ़ो। तो चलिए सीखते हैं गणित खेल खेल में हंसी मजाक में, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई करते हुए। दोस्तों, इससे पहले हमने मुद्रा से संबंधित और भी सवाल हल किए थे। आइए आज फिर मुद्रा से संबंधित कुछ और सवाल हल करेंगे। यहाँ आपको कुछ नोट दिख रहे हैं, जैसे एक का, पाँच का और ये 10 रुपए का नोट, ये 20 और ये 50 का और ये 100 रुपए का नोट, और एक का, दो का और ये 5 का सिक्का भी। अब देखिए, 1 रुपया, ये 5 रुपया, ये 10 रुपया और ये 20 रुपया है। तो इनमें से कौन सी नोट की कीमत सबसे छोटी है, 1 रुपया की? बिल्कुल सही। अब बताइए, यहाँ पर ये 1 रुपया, ये 5, ये 10 और ये 20 रुपया है, तो इनमें से कौन सी नोट की कीमत सबसे बड़ी है? बिल्कुल सही, ये 20 रुपए सबसे बड़े हैं। और अब बताइए, 1 रुपया, ये 5 रुपया, ये 10 और ये 20, ठीक है, तो इनमें से 5 की नोट कौन सी है? ये तो 1 की नोट है, अभी बताया। ये रही 10 की नोट, और ये देखिए, ये रही 5 की नोट। इसका मतलब 5 की नोट यही है। अब आगे बढ़िए, अब ये है एक नोट, ये रहा एक, ये और एक ये है। चलो बताओ, इनमें से 20 की नोट कौन सी है? ये तो 1 रुपए की नोट है, ये 10 रुपए की है और ये है 5 रुपए, और ये, जी हाँ, ये रही 20 रुपए की नोट। आप बताइए, ये कुछ नोट है, तो दिए गए नोटों को आरोही क्रम में लगाइए। आरोही क्रम का मतलब है आपको बढ़ते क्रम में लगाना है। तो देखिए, पहले आएगा 1 का नोट, फिर 1 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 10 और 10 से बड़ा ये 20 का नोट। और अब ये नोट है, इनको आप अवरोही क्रम में लगाएं। अवरोही का अर्थ है बड़े से छोटे में लिखना है, तो घटते क्रम में। यहाँ देखिए, सबसे पहले सबसे बड़ा 20, फिर 10 का नोट, फिर उससे छोटा 5 का और सबसे छोटा 1 का नोट। अब देखिए, एक सवाल हल करते हैं। राजू के पास 80 रुपए कुछ इस प्रकार से हैं। ये रहे 20 रुपए, ये 20 रुपए का एक नोट हुआ, फिर ये 10, 20, 30, 40, तो 10 रुपए के 4 नोट हैं, और ये 1, 2, 3, 4 5 रुपए के 4 नोट। तो इस तरह राजू को इसमें से 65 रुपए प्रिया को देने हैं, ठीक है, ये है प्रिया। तो अब राजू क्या करेगा? राजू ये 20 रुपए का एक नोट देगा, ओके, फिर यहां से राजू 10 का एक नोट देगा, तो 20 और 10 30 हो गए, फिर ये 10 और मिलाए तो 40, और फिर 10 मिलाए तो 50, और अब ये 60। अब कितने रुपए बचे बच्चों देने को? बिल्कुल सही, सिर्फ 5 रुपए बचे हैं, तो यहाँ से 1 5 का नोट, तो कितने हो गए? ये 60 और ये 5, तो मिलकर हुए 65 रुपए। बहुत अच्छे। अब क्या राजू और भी तरीके से प्रिया को 65 रुपए दे सकता है? देखो, ये 20, 30, 40, 50 और ये 5 रुपए के 3 नोट, तो 50 और 10 60 और 5 65। बताइए, 65 रुपए में 1 रुपए के कितने नोट होंगे? सोचिए, 65 रुपए में 65 होंगे, 5 होंगे, 1 होंगे या 10? जी हाँ, 65 नोट ही होंगे। अब सवाल, सुप्रिया के पास 1 रुपए के 5 नोट हैं और 10 के 2 नोट हैं, तो सुप्रिया के पास कुल कितने रुपए हैं? ये देखिए, समझते हैं, 1 रुपए के 5 नोट,
ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 और ये हो गए 5 रुपए और 10 के 2 नोट हैं तो 1 और 1 2, ये 10 के 2 नोट मिलके हुए 20 रुपए। अब अगर हम इन्हें मिला दें तो ये देखिए 25 रुपए होंगे, 10 और 10 20 और 5 25। राजू ने 5 रुपए के 6 नोट और 1 रुपए के 4 नोट रवि को दिए, तो रवि को कितने रुपए मिले बताओ बच्चों। देखो 5 रुपए के 6 नोट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, और 10 रुपए के, और ये हो गए देखिए 5 रुपए के 6 नोट है तो 2 नोट मिलकर हुए 10, 2 नोट 10 और 2 नोट 10, तो इस तरह 10, 20, 30। 1 रुपए के 4 नोट है, 1, 2, 3, 4, तो ये 4 मिला के 30 ये और 4 ये 34 रुपए। माँ ने बताया कि उसके पास 50 के 2 नोट, 10 के 5 नोट और 1 के 8 नोट हैं। तो माँ के पास कुल कितने रुपए हैं जल्दी बताओ बच्चों, फटाफट अपनी कॉपी में लिखो। ये देखो 50 के 2 नोट हो गए और ये 10 के 5 नोट हो गए, ठीक है, और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 1 रुपए के 8 नोट। तो 50 के 2 नोट का मतलब 100 रुपए, 10 के 5 नोट का मतलब 50, और 8 नोट का मतलब 8 रुपए होंगे क्योंकि 1 के हैं। तो माँ के पास कुल कितने हुए, 100 और 50 और 8, 58, इसलिए 158 रुपए। कितने रुपए हैं बताओ जरा, अगर इन नोटों को मिलाएं तो ये कितने रुपए होंगे, 50 और 20 मिला दिए तो 60, 70 और 10 और मिलाए तो 80 और फिर 5 मिले तो 85। आप बताओ यहाँ पर देखो 100 और फिर 50 तो 150, 160, 170। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, जैसे कि पहले भी हमने मुद्रा के कुछ सवाल हल किए थे, हमने जाना था कि मुद्रा का उपयोग कहाँ किया जाता है और एक ही तरह की मुद्रा को हम किस तरह से लिख सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो आज हम मुद्रा के बारे में कुछ और नई चीजें जानेंगे, जानेंगे कि मुद्रा की सहायता से अपनी संख्या हम कैसे बना सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं, मुद्रा की सहायता से अपनी संख्या बनाओ। तो संख्या कौन सी है, संख्या है 5 रुपए। तो आपको 5 रुपए बनाने हैं बच्चों, कैसे बनाओगे देखो, आपके पास कुछ नोट और कुछ सिक्के हैं, आपको दिख रहे हैं। तो तरीका नंबर 1 क्या हो सकता है, चलो देखते हैं। यहाँ हमने एक नोट लिया 1 रुपए का, फिर 1 रुपए के 2 नोट, इसी तरह 1 रुपए के 3, 1 रुपए के 4 और 1 रुपए के 5 नोट। तो हो गए ना, 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1 = 5। अब तरीका नंबर दूसरा, यहाँ पे हमने एक सिक्का लिया है जो 2 रुपए का है, फिर 2 का एक और सिक्का लिया, इस तरह 2 और 2 = 4 और ये 1 नोट 1 रुपए का। तो 2 जोड़ 2 जोड़ 1 = 5 होता है। तरीका नंबर तीसरा, अब बच्चों आपको ये ढूंढना है कि और कौन सा तरीका हो सकता है जिससे हम ये बना सकते हैं 5 रुपए। अब आपकी संख्या 10 रुपए है तो बताओ इसे कैसे बनाएंगे। देखो तरीका नंबर 1 तो ये है, 1 का नोट, फिर 1 का नोट, 2 फिर 1 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो ये हैं इस तरीके से 1 1 रुपए के 10 नोट जोड़े तो हुए कुल 10 रुपए। अब दूसरा तरीका है, 2 फिर 2 रुपए तो 4, फिर 2 रुपए तो 6, फिर 2 का सिक्का तो 8 और फिर 2 का सिक्का, तो इस तरह हो गए 10। देखिए 2 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ 2 = 10 होते हैं। अब देखिए तरीका नंबर तीसरा क्या हो सकता है, 1 का नोट, फिर 1 रुपए, फिर 1 रुपए,
तो इस तरह हो गए कुल 3 रुपए, फिर 4 रुपए, फिर ये 5 और फिर 6, 7, ये 8 और ये 2 का सिक्का, तो 9, 10। इस तरह एक एक के हमने लिए 8 नोट और 2 का 1 सिक्का, तो हो गए 10 रुपए। अब तरीका नंबर 4, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 9 और ये 10। तो एक तरीका ये है। ये तो हुए 4 तरीके जो हमने सीख लिए हैं। अब अगर कोई और तरीका दिमाग में आए, ठीक है, देखते हैं। तरीका नंबर 5, 1 का नोट, फिर 1 का नोट, फिर 1 का नोट, 3 रुपए, फिर 4 रुपए, फिर 5 रुपए और फिर ये 6 रुपए और 7, 8 और ये 9, 10, 2 2 के सिक्के मिला के। इस तरह एक एक के 6 नोट और 2 2 के 2 सिक्के, तो हो गए 10 रुपए। एक और तरीका है, देखिए, 2 का 1 सिक्का लिया, फिर 1 और सिक्का लिया, फिर 1 और सिक्का लिया, तो 2 के 3 सिक्के ले लिए हैं, मतलब 2, 2, 4 और 2, ये हो गए हैं 6 और ये 7, 8, 9, 10। इसका मतलब 2 2 के 3 सिक्के और 1 1 के 4 नोट मिलकर होते हैं 10। अब अगर हमारे पास 5 का नोट भी हो तो कैसे बनाएंगे? देखिए, 5 का 1 नोट और ये 2 नोट, इस तरह 5 और 5, 10 रुपए। अब देखिए एक और तरीका है, 2 का 1 सिक्का लो, फिर क्या करो, 1 का नोट, फिर 1 का नोट, तो 2 और 1 3 और 1 4 और ये 1 5 और फिर ये 5 का नोट ले लो, तो इस तरीके से 10 रुपए बन सकते हैं। तो आपने देखा बच्चों कि हम एक ही तरह के रुपए को कितने नोटों से बना सकते हैं, कितने तरीके से बना सकते हैं। बहुत आसान है ना? आप भी घर पे करके देखिए। हम फिर मिलेंगे, बाय बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? समय हो गया है एक और खेल खेलने का। आज हमारे खेल का नाम है नंबर कस। इस खेल में हम दहाइयों और सैकड़ों के बारे में कुछ नई बातें जानेंगे, तो क्या आप तैयार हैं? चलिए खेलते हैं अपना खेल जिसका नाम है नंबर कस। आज हम इसका दूसरा भाग खेलने वाले हैं। 60, यहाँ हमसे पूछा गया है नंबर 60, तो देखें नंबर 60 कहाँ पर है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये रहा नंबर 60। शाबाश, 10, 20, 30, 40, 50, 60। दोस्तों, आपने देखा कि नंबर 60 के नीचे हरे रंग की 6 गेंदें आई थी। इन गेंदों का मतलब है दहाइयां। तो 60 के नीचे आई हमारे पास 6 गेंदें। इसका मतलब है कि नंबर 60 में होती हैं पूरी 6 दहाइयां। अगला नंबर है 70, तो 60 के बाद आता है नंबर 70, तो देखते हैं कि 70 में कितनी दहाइयां होती हैं। शाबाश, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो नंबर 70 में आई पूरी 7 दहाइयां। अब फिर से नंबर पूछा है 60, तो याद करिए नंबर 60 में कितनी दहाइयां थी। बिल्कुल सही, नंबर 60 में थी पूरी 6 दहाइयां। शाबाश, 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब फिर से पूछ रहा है 60, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर है 90, तो सोचिए 90 में कितनी दहाइयां हो सकती हैं।
आपको लगता है कि 90 में 9 दहाइयां होनी चाहिए। चलिए देखते हैं कि जो आप सोच रहे हैं वो सही है या नहीं। शाबाश, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो नंबर 90 में हुई पूरी 9 दहाइयां। आपने बिल्कुल सही सोचा था। अगला नंबर है 70। तो बताइए नंबर 70 कहाँ पर है और उसमें कितनी दहाइयाँ होंगी। जी हाँ, ये रहा नंबर 70 और इसमें होनी चाहिए पूरी 7 दहाइयाँ। शाबाश, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। अगला नंबर है 100। तो 70, 80, 90, 100, ये रहा नंबर 100। और देखते हैं कि इसमें कितनी दहाइयां होंगी। शाबाश, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो नंबर 100 में थी पूरी 10 दहाइयां। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब हमने इकाइयों और दहाइयों के बारे में जाना था तो हमने सीखा था कि 10 इकाइयों को मिलाकर एक दहाई बनती है। नंबर 10 एक दहाई है और ये 10 इकाइयों को मिलाकर बनी है। उसी तरह हमने देखा कि नंबर 100 में पूरी 10 दहाइयां हैं। 10 दहाइयों को मिलाकर बनता है एक सैकड़ा। इसका मतलब हुआ कि नंबर 100 एक सैकड़ा है। अब देखते हैं अगला नंबर क्या है। अगला नंबर है 30। तो सोचिए 30 में कितनी दहाइयां होंगी। जी हाँ, 30 में होंगी 3 दहाइयां। शाबाश, 10, 20, 30। तो दोस्तों आपको ये दहाइयों का खेल कैसा लगा? आप घर पर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। अलग अलग नंबर लिखिए, जैसे 10, 20, 30, और फिर उनमें देखिए कि कितनी दहाइयां आएंगी। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और नई नई बातें सीखते रहिए। धन्यवाद बच्चों। आपको पता है, आकारों से भी चित्र बनाए जा सकते हैं। आपको बड़ा अजीब लग रहा है ना सुन के? इतना अजीब है नहीं। हम देखना आकारों से चित्र बनाएंगे, जैसे गोल आकार होता है, त्रिकोण आकार होता है या आयताकार होता है, इस तरह के बहुत सारे आकार होते हैं ना। चलो गोल आकार लेकर देखते हैं। ये हमने एक गोल लिया, इसके दो गोल गोल से बना दिए कान, ये बड़ा सा पिट्टू बना दिया उसका एक गोल से। फिर दो यहाँ पर गोल लिए जिनसे हमने की राउंड बनाए, और फिर ये दो गोल से पैर बना दिए। इसी तरह ये बना दी हमने आंखें, ठीक है। और अब क्या बनाए? चलो ये मुंह बना देते हैं। ये देखो, तो ये गोल आकार बन गया हमारा, ठीक है। कैसा लगा आपको? था ना बिल्कुल आसान? तो इस तरह हम गोल आकृति से भी चित्र बना सकते हैं। अब आगे देखो, ये क्या है? इस प्रकार के आकार से हमने ये लिया, ठीक है, इस तरह का आकार बनाया। अब फिर एक और इसी तरह का आकार बनाया, फिर क्या किया, फिर इसी में एक और आकार बना दिया बिल्कुल वैसा है, फिर एक यहाँ और एक यहाँ बना दिया, ये देखो, और एक यहाँ। ये बन गई हमारी पतंग। और ये पतंग कैसी है, किस आकार की दिख रही है आपको? ये वर्ग आकार होता है बच्चों। अब आगे देखो, ये तीन कोने वाला, फिर एक तीन कोना नीचे से, फिर ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, और उसके अंदर बहुत सारे। क्या बन गया बच्चों? बन गया ना पेड़, क्रिसमस वाला। ये क्या था? त्रिकोण था। अब यहाँ देखो, हमने इस आकृति का ये ले लिया, फिर एक और उसके अंदर बनाया, फिर ये नीचे से एक और एक ऊपर, और फिर ये अंदर बहुत सारे। ये क्या? आयत। अरे वाह, ये हमने आयताकार बना दिया। बिल्कुल आसान था ना आयताकार दरवाजा बनाना। तो इस तरह बच्चों हम आकार से आकृतियां बना सकते हैं। आप भी बनाकर देखिएगा, देखते हैं कौन कौन से चित्र बनते हैं आपसे। फिर मिलेंगे, बाय बाय।
दोस्तों, आज की हमारी राइम का नाम है टू ट्विन एरोप्लेन्स। नाम से तो लगता है कि ये राइम एरोप्लेन यानी विमान से जुड़ी होगी। इस वीडियो को बनाया है प्रथम इन्फोटेक ने। चलिए सुनते हैं आज की हमारी राइम। अरे वाह, इस राइम से पता चला कि एरोप्लेन आसमान में क्या क्या करता है। मुझे तो बहुत मजा आया। क्या कहा था मैंने, है ना गणित भी आसान। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को आज का प्रोग्राम बहुत ही दिलचस्प लगा होगा, बहुत ही मजा आया होगा पढ़ाई करने में। क्योंकि अगर पढ़ाई को भी खेल की तरह देखा जाए तो वो भी बहुत आसान लगती है। खैर, अभी समय समाप्त हुआ तो हमें जाना होगा। हम कल फिर मिलेंगे इसी समय यहीं पर, आना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, घर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से eLots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। आशा करती हूं बच्चों, आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।